आवाज की दुनिया के दोस्तों, एक गांव के दक्षिण की तरफ दो चार छोटे मोटे फूस के घर हैं। उन्हीं में एक घर पंडित सदानंद ठाकुर का है। पूरब और पश्चिम रुख का दो भीत का घर। पूरी घर के बाहर की तरफ एक छप्पर डाल दिया गया है, जिसमें एक छोटी चारपाई रखी है। आवाज की दुनिया के दोस्तों, यही छप्पर दालान का काम करता है। पश्चिमी घर के पीछे अमरूद, सहजन और आम का एक पेड़ है। इस जगह और आसपास जो सन्नाटा फैला है, वह यहाँ हमेशा से नहीं है। जब तक पंडित सदानंद ठाकुर जीवित रहे, इस टोले में बड़ी रौनक थी। जब तक उनके दालान पर दो चार अतिथि अभ्यागत आते ही रहते थे। पंडित जी उच्च कोटि के विद्वान थे। उनकी विद्वता की ख्याति इलाके भर में फैली थी। समाज में उनका बहुत आदर था। पंडित जी के समय में घर आंगन का ये रूप नहीं था। जहाँ आज सिर्फ दो छोटे से घर खड़े हैं, पहले वहाँ चारों तरफ विशाल विशाल घर थे। सामने फुलवाड़ी थी, जिसमें बारह महीने फूलों का मेला लगा रहता था। शरत काल में हर श्रृंगार के फूल चुनने के लिए सुबह सवेरे से ही वे बच्चे जुट जाते थे। पंडित जी को बच्चों से बहुत प्रेम था। वह स्वयं भी सुबह जल्दी उठ जाते और फूल चुनकर बच्चों को फूल डाली भर देते थे। हर श्रृंगार के अलावा गेंदा, गुलाब, तीरा, जूही, वैजंती आदि कई प्रकार के फूलों से फुलवाड़ी सजी रहती थी। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, फुलवाड़ी से कोई एक बीघा दूर एक स्थान था, जिसका नाम पंडित जी ने शांति कुंज रखा था। यह स्थान चारों तरफ से अपराजिता की लताओं से घिरा था। किनारों में आम, कटहल, अमरूद, नीम आदि के पेड़ थे। उसकी मधुर ममता जैसी प्रसन्न छांव हमेशा इस लता कुंज को आच्छादित किए रहती थी। कुछ दूरी पर एक छोटा तालाब था, जो सदा स्वच्छ जल और मछली से भरा रहता था। तालाब के पश्चिम दक्षिण की तरफ प्रकृति का सशस्य श्यामल रूप दर्शनीय था। मित्रों, पंडित जी के परिवार में थे पंडित जी, उनकी पत्नी और एक कन्या दोनों के बीच यही एकमात्र संतान थी। लेकिन पंडित जी की मृत्यु के बाद ये नींद उजड़ गया। बाढ़ के पानी की तरह प्रसन्नता और ऐश्वर्य की लहर गुम हो गई। मिथिला का प्रसिद्ध भूकंप सिर्फ पंडित जी के प्राण लेकर ही नहीं रहा, बल्कि इस परिवार का स्वरूप भी उसने पूरी तरह बदल दिया। पहले वाला घर आंगन उजड़ गया, फुलवाड़ी उजाड़ हो गई, तालाब मिट्टी से भर गया। मित्रों, खेत भी अब पहले की स्थिति में नहीं रहे, कुओं का पानी सूख गया। 20 साल बाद आज अगर कोई इस जगह पर आए तो विश्वास नहीं होगा कि कभी ये पंडित सदानंद ठाकुर का आवास था। वर्तमान में पंडित जी का लगाव मात्र नीम का एक पेड़ बचा है, जो हर वर्ष महान आत्मा के प्रति अपना फल फूल अर्पित कर श्रद्धांजलि देता है। पंडित जी ने अपनी कन्या का नाम रखा था नलिनी। हजारी गेंद के फूलों जैसे भरे पूरे कोमल शिशु को गोद में लेकर वे पत्नी से कहा करते थे, सुनती हो, इसे हम इतना पढ़ाएंगे कि ये इस युग की भारती बनेगी, विदुषी भारती। ये सुनकर पंडिताइन कहती, चुप रहिए, जिएगी तो देखा जाएगा, अभी से बोलने बताने की क्या जरूरत है। फिर एक दीर्घ निश्वास लेकर बोलती, आदमी जो सोचता रहता है वह कहाँ होता है। इट इज़ राइट सर, और सच में वही हुआ। काल की इच्छा के आगे पंडित जी की शुभेच्छा शीतल पड़ गई। मैन प्रपोजेज एंड गॉड डिस्पोजेज, होता वही है जो मंजूरे खुदा होता है। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, अचानक एक दिन जोरदार भूकंप आया, उसमें पंडित जी की मृत्यु हो गई। बिलखती पत्नी और अभोत शिशु को छोड़कर वे चिरनिंद्रा में लीन हो गए। नलिनी भारती नहीं बन सकी। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, निर्धन मिथिला के बच्चे जिस तरह मिट्टी में खेलकर ही बड़े हो जाते हैं, उसी तरह नलिनी भरने लगी। लेकिन उसकी विलक्षणता प्रतिभा से सभी चकित थे।
चंचलता उसकी नस नस में थी। भगवान ने उसके कंठ में मधुर बंसी का स्वर भर दिया था। ऐसा लगता था जैसे नजदीक के बगीचे में कोयल कुक रही हो। नलिनी के आधार पर खेलती हाथ से रेखा अमीर थी। अपनी हंसी की गूंज से वह घर आंगन में रौनक बनाए रखती थी। वह मधुर मुस्कान नलिनी की चिरंतन सखी बन गई थी। सुख दुख हर्ष विषाद सभी में वह इस कोमल किशोरी के साथ नहीं छोड़ती थी। नलिनी की माँ चाहे जितनी नाराज हो, इस सुंदरी की मधुर हंसी के आगे उनका गुस्सा कपूर की तरह गायब हो जाता था। नलिनी की मुस्कान दुख से संतप्त किसी भी हृदय पर आनंद का गुलाल डाल देती थी। इस चंचल बालिका के होठों पर हमेशा मुस्कान की चमक खेलती रहती थी। नलिनी के पिता के देहांत के बाद उसके मामा बराबर यहाँ आया करते थे। पास में ही उनका भी गांव था, इसलिए कभी कभार आकर वे यहाँ की खेती बाड़ी का प्रबंध भी कर जाते थे। नलिनी के मामा परशुराम झा विनोदी व्यक्ति थे। आसपास के बच्चे उनको देखते ही प्रसन्न हो जाते थे। मामा के आते ही नलिनी हंसते हंसते बेहाल हो जाती थी। उनको देखते हुए नाच नचा कर गाने लगती थी। मामा धामा ओल कतरा मामी के पेट में तीन बगरा मामा नलिनी की गोद में उठा लेते थे। मामा नलिनी को गोद में उठा लेते थे, फिर उससे मामी के पेट के तीनों बगरे का हाल पूछते। नलिनी तो हंसते हंसते बेहाल हो जाती थी। कभी कभी परशुराम धाम उब कर कहते थे, अब पिटाई खाएगी नीलम, ठीक से रहो नहीं तो पिटाई लगेगी। अपना नाम नीलम सुनकर नलिनी से अपनी हंसी नहीं रोकी जाती। उसके मामा उसे इसी नाम से पुकारते थे। फिर थोड़ा रुक कर बोले, अच्छा मामा मारिए तो भला, आपका अपना हाथ ही कांपने लगेगा। आपको नहीं पता कि भांजा भांजी को मारने से मामा का हाथ कांपने लगता है। ये सुनकर परशुराम धाम उठाकर ठटाकर हंसने लगते। इसने से उसे गोद में बिठाकर बोलते, समझ गए नीलम, तुम बहुत शैतान होती जा रही हो। ऐसी करोगी तो लोग तुमको अगला ही कहेंगे। ये नया शब्द सुनकर सरल बालिका को उत्कंठा भर जाती थी। वह पूछती, अगले ही किसे कहते हैं मामा? एक दिन मामा ने नलिनी को अगले ही की कथा सुनाई। नलिनी बड़े ध्यान से कथा सुनती रही। पूरा सुनने के बाद बोली, मैंने आपको खड़ाऊ को कुएं में थोड़े ने फेंका। परशुराम जहाँ हंसते हुए कहते, अब सिर्फ वही बाकी रहा है। नलिनी झट से बोली, ठीक है तो आज आपका खड़ाऊ अवश्य कुएं में डुबा दूंगी। और वह खिलखिलाती हुई आंगन के टाट के पीछे चली गई। परशुराम झा ने आशंका से खड़ाऊ को बहुत ऊपर छप्पर में अटका दिया। कुछ देर के बाद नलिनी को उन्होंने बुलाया, आओ हे अगलही, एक गीत तुमने सुना ही नहीं। गीत की बात सुनते ही नलिनी सरल बल अपने दोस्तों के साथ उपस्थित हो गई। सब चारों तरफ से कहने लगे, मामा जी गीत सुनाए। मामा एक बार नलिनी की तरफ देखकर गाने लगे, दूर दूर छियाँ छियाँ छियाँ, एक लूरी ने दाय के भेले ने देखी जरे अति छी जियाँ। पढ़े गुने के नाम ले लेती सठ थी, पोती किया ससुर जा के गारी सुनोती, सांची कपे अठी हिया। सोची सोची हम मरली जाई थी, किस नहीं बूझ थी धिया। कन्हैया पुत्रा वैसी खेलती सडम में सब सकिया, माथ कपार कते हम फोर नीर भय अखियाँ। जो सब नाच नचोती नच वतु भले छियनी भनसियाँ। मौन होय उबर पीसी पीबी ली अखनियाँ, धद्रू थ्रूख बिया। गाना समाप्त होते ही सब नलिनी की तरफ जोर जोर से हंसने लगे। नलिनी का मन खिन्न हो गया, मुंह बनाकर बोली, हाय रे मामा धाम, आप समझते हैं कि मेरा जैसा आदमी नहीं है। आप जरा आईने में अपना मुंह तो देख आइए। और वहाँ से भाग गई। लेकिन ये सब बहुत दिन पहले की बात है, उसके बाद इतने वर्षों का अंतराल था।
जो स्पष्ट नहीं तो धूमिल अवस्थ्य हो गया था। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, नलिनी अधिक लगन से माँ के साथ काम धंधे में साथ देने लगी। घर आंगन बुहारना, साग पात तोड़ना, खाना पकाना आदि सभी कामों में अपने बाल सुलभ उत्साह में सहयोग देने लगी। एक दिन माँ के लाख मना करने पर भी नलिनी सब्जी काटने लगी। अचानक उसकी एक अंगुली कट गई। उसने अपने तक छुपाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन वह माँ की नज़र से नहीं बच सकी। माँ आंगन बुहार रही थी, डांटती हुई बोली, अब समझो सुख तब से मना कर रही थी तो हमेशा कुछ न कुछ करती रहेगी, चुपचाप कभी बैठा ही नहीं जाता। लेकिन नलिनी के चेहरे पर फिर भी मलिनता की छाया दिखाई नहीं पड़ी। मुस्कुराते हुए बोली, देखो तो कहाँ कुछ हुआ है, तुमको तो ऐसा ही लगता है। लेकिन जब उसने दिखाने के लिए हाथ उठाया तो उंगुली में बंधे कपड़े का टुकड़ा खुलकर गिर पड़ा और रुके खून की धार फिर वेग से उछल पड़ी। इस तरह खून बहता देखकर माँ के होश उड़ गए। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, बाप रे, देखो तो इस छांडी को कैसे अंगुली काट ली है। उस पर मुंह लगाती है कि कुछ नहीं हुआ, खड़ी रह तू, इस झाड़ू से पीठ सेक देती हूँ। और वह नलिनी को मारने दौड़ी। ये देखते ही नलिनी तरकारी काटने वाले हंसुआ फेंक कर दालान की तरफ भागी और आंगन के दरवाजे पर आकर ठिठक गई। उसने सामने खड़े कमल को देखा। कमल बोला, चलो नलिनी जामुन खाने चलोगी, लेकिन तोड़ेगा कौन, मैं हूँ ना, और कौन तोड़ देगा। और दोनों हंसते कूदते चल पड़े। माँ आंगन में बोलती रही, अभी कहीं निकली तो फिर वापस घर आने नहीं दूंगी, लेकिन कौन सुनता। सब्सक्राइब फ्री है आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, पुण्यात्माओं।